के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत भारत सरकार लाभार्थी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। आज हम आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। दिल की बीमारी, किडनी और लीवर की बीमारी, डायबिटीज समेत 1300 से अधिक बीमारियों को उसके इलाज को इस योजना में शामिल किया गया। 1300 इन गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी नहीं बल्कि देश के प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा। पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीबों के ऊपर से वित्तीय बोझ को कम करना है। आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हों, ये हम लोगों की सरकार गठन होने के बाद से पूरी प्रतिबद्धता थी। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 के आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को शामिल कर रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का लाभ कवर प्रदान कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत का कोई भी नागरिक आसानी से अपनी पात्रता की जांच भी कर सकता है। आयुष्मान भारत योजना पात्रता सूची और रजिस्ट्रेशन 2019। लाभार्थी जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किया जाएगा उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इन परिवारों को चयनित सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। पीएम आयुष्मान भारत योजना 2019 के तहत सर्जरी, चिकित्सा और डेकेयर उपचार, दवाओं और निदान की लागत को कवर करने वाले कुल 1350 मेडिकल पैकेज सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आइए हम आपको ये भी बता दें कि आयुष्मान भारत योजना पात्रता क्या है। देश का कोई भी नागरिक आयुष्मान भारत योजना के तहत अपनी पात्रता की जांच आसानी से कर सकता है। जो उम्मीदवार आयुष्मान भारत योजना लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करना चाहते हैं, उन्हें पहले pmjay.gov.in पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। केंद्र की सरकार आपकी आशाओं, आकांक्षाओं, आपकी अभिलाषाएं, एस्पिरेशंस के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चयन प्रक्रिया क्या है, आप ये भी जान लें। आयुष्मान भारत योजना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के पहले चरण में सरकार लाभार्थी परिवार की पहचान करता है और उन्हें सूचना पत्र भेजता है। आयुष्मान भारत योजना लाभार्थी पत्र प्राप्त करने के बाद आपको क्षेत्रीय कॉमन सर्विस सेंटर में जाना चाहिए। दूसरे चरण में आपको पीएम आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद सरकार आपको आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करेगी और आपको एक गोल्डन हेल्थ कार्ड मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन पंजीकरण कैसे करें, आप ये भी जान लें। जो लाभार्थी पीएम आयुष्मान भारत योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्रीय कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। अब CSC केंद्र एजेंट योजना के तहत सफल पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और आपको पंजीकरण ID प्रदान करेगा। 10 से 15 दिनों के बाद आपको जन सेवा केंद्र CSC से आयुष्मान भारत स्वर्ण कार्ड मिलेगा।